अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हमद आमिर के हवाले से है। और हम ये सोच रहे हैं कि हमद आमिर को क्यों नहीं वापस लेके आ रहा। तो अगर मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो हमद आमिर को लेके आना चाहिए। अगर ये रमीश राजा नहीं कर रहा तो ये अपने पाकिस्तान के टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो हम दुआ करेंगे कि आमिर वापस आए और एशिया कप खेले, और आना भी चाहिए उसे वापस। और मालूम नहीं है ये क्यों नहीं आ रहा वापस और क्यों नहीं लाया जा रहा। तो अगर मुल्क की खातिर इनको कुछ करना है तो फिर आमिर को एशिया कप में ले के आना पड़ेगा। और आमिर जीत और हार तो मुकद्दर में होगी, जीतना होगा तो जीत जाएंगे, हारना होगा तो हार जाएंगे। लेकिन एक बड़े खिलाड़ी का, सीनियर प्लेयर का भी एक प्रेशर होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे रमेश राजा को कि आमिर को ले के आना चाहिए, और कुछ भी आपस में इनके अखलाकात जो भी हैं तो उनको ख़त्म करके अपनी टीम के बारे में सोचें और अपने मुल्क के बारे में सोचें और आमिर को वापस ले आएँ तो अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए भी और आवाम के लिए भी। सब आवाम बोलिए कि आमिर आना चाहिए, तो फिर ये क्यों नहीं ला रहे, ये सही नहीं हो रहा आमिर के साथ। अगर आमिर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं आना चाहता तो ये आमिर गलत कर रहा है। अगर रमेश राजा नहीं ले के आ रहा तो ये रमेश राजा अपनी टीम के लिए बहुत गलत फैसला कर रहा है। तो दरख्वास्त ये है कि आमिर एशिया कप खेलना चाहिए, और आगे वाले भी सीरीज वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी खेले, क्योंकि हमारा सीनियर बॉलर है, तजर्बेकार बॉलर है, अच्छा बॉलर है जिसे दुनिया मानती है। तो इस जैसे बॉलरों को खेलना ज़रूरी है पाकिस्तान की टीम में। शहीन अनफिट है, थोड़ा दुख भी है कि एम ओ के पे इंजरी हो जाना तो बहुत मुश्किल में हो जाता है इंसान। तो इंशाल्लाह आमिर कम बैक करें, हम भी चाहते हैं, तो कोशिश करें आमिर को लेके आए। आपसे ये दरख्वास्त है हमारे रमेश राजा को, ये वीडियो किसी तरह भी शेयर कर सकते हो, कोई भी अगर करना चाहे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो हमें जल्दी जल्द वापस होगा।